वेलकम टू गाजियाबाद आईएएस एकेडमी एंड यूपीएससी कनेक्ट। एम आई ऑडिबल टू यू? काइंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। काइंडली रिप्लाई मी। ओके, थैंक्स तव्या फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, इफ यू हैव एनी एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, ठीक है? और सारी क्वेरीज को क्लास के लास्ट में मेरी तरफ से एड्रेस कर दी जाएंगी। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक को शुरू करना जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखा जाए बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हद से ज़्यादा डायनामिक है। तो जब मैं बोलूँगा डायनामिक, डायनामिक का मतलब ये होता है कि इट इज़ हाईली अपडेटेबल इन नेचर। मतलब आए दिन, मतलब हम कह सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है एक नए तरीके का अपडेट आता जा रहा है, और ये अपडेट जो है आप हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं इसको इसको कैप्चर कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना, ये सभी चीज़ें हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती जब मुश्किल हो जाती है टाइम के साथ साथ। फाइन, सो हम लोग जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर पढ़ने वाले हैं, मेरे हिसाब से आप सभी के पास नोट्स पहुंच चुके हैं, प्रिंटेड नोट्स, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो आप लोग मुझसे पर्सनली मेरे टच में आके जो है मुझे आप बता सकते हैं, तो हम लोग आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा देंगे। फाइन, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आईआर जब पढ़ते हैं, आईआर पढ़ने के लिए जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है एक बहुत अच्छी समझ। समझ समझ किस चीज़ की? समझ हमें चाहिए होती है हमारे देश के आसपास क्या चल रहा है, इंटरनेशनली कौन से मुद्दे जो हैं इस टाइम चल रहे हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं जो इस टाइम पर इंडिया से कंसर्न करते हैं या फिर इंडिया से कंसर्न नहीं करते हैं। फाइन, सो अगर मैं एक बात बोलूँ कि लेट्स से कि अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि लेट्स से कि कोविड सिचुएशन में हम लोग हैं। फाइन गाइस, कोविड सिचुएशन में हम लोग हैं, और कोविड सिचुएशन में एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कोविड सिचुएशन में हम लोग कैसे यूनाइटेड नेशंस का रोल है इसके अंदर, कैसे WHO का रोल है, और कैसे ये इंडिया को इफेक्ट कर रहा है। सो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन, प्लीज़। बच्चे ज़्यादा हैं, वन बाय वन जो है हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और ओके, मैंने आपको पावर दे दी है अनम्यूट करने की। वन बाय वन प्लीज़ अपने इनपुट्स प्रोवाइड कीजिए कि कोविड सिचुएशन के अंदर, मैं नाम लूँगा उसके बाद ही, ठीक है? मैं उसके बाद ही आप लोग बताएंगे, ठीक है? कोविड सिचुएशन के अंदर WHO का रोल कैसे डिफाइन किया जा सकता है बाय यूनाइटेड नेशंस। तो आकांक्षा सिंह, प्लीज़ गो अहेड। आकांक्षा सिंह, यस सर, गो अहेड। मैंने क्वेश्चन पूछा, आप आपके पास है, आपने सुन लिया क्वेश्चन, सुन लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर, बेसिकली WHO रिकमेंड, जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं कि कैसे डील करना है, कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, क्या पैरामीटर्स है, वो सारा WHO ही बनाता है। वैक्सीन्स को जितने कंट्रीज में रेगुलेट करना है कि वैक्सीन्स को कैसे ट्रायल करना है, कितने लेवल तक ट्रायल करना है और कब उसको रिलीज करना है, ये भी WHO ही सारा देख रही है। ओके, हर कंट्री के लिए ओवरऑल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो रितिका, रितिका प्लीज़ टेल मी, क्या हमें लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सब्सिडरी विंग है WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्या इसका रोल, क्या ये अपने आप में डाइसी है, क्या अपने आप में ये डिलेमा में है, रितिका? सर, यस सर, वी कैन से दैट कि डिलेमा में है, क्योंकि जब इनिशियल एजेस में जब लॉकडाउन किए थे कंट्रीज ने, तो उस टाइम जो जो मीटिंग्स थी वो प्रॉपर्ली नहीं हुई थी WHO में, और जो उन्होंने एक्शन लिया है वो भी लेट एक्शन लिया है, तो वी कैन सी रोल उनका डिसी रहा सिचुएशन मैनेजमेंट में एंड सेटिंग। ओके, सो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, वन बाय वन आंसर्स को भी आंसर आता है, आपके डैशबोर्ड के अंदर हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, देन आफ्टर आई विल टेक योर आंसर। फाइन, तो माय क्वेश्चन इज दिस कि How many of you think that there is some kind of passive role of China in spreading this virus? Was it intentional or was it not? Just a question. इसके ऊपर कोई allegations नहीं होने चाहिए, आपके एक 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 fact based जो इसके answer आप मुझे देंगे इस पे। तो raise your hands please. Good evening sir. आपके किसी का हाथ raise नहीं हुआ, कौन answer देना चाहेगा इस चीज़ को? आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसिवली इस वायरस को फैलाने में चाइना का हाथ था या चाइना का हाथ है, और हम क्या 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 इसे कह सकते हैं कि वाज इट अ बायोलॉजिकल वेपन? नोबडी? ओके ओके, जस्ट अ मिनट, तो आई विल ओके, प्लीज गो अहेड, एंड आर्ची प्लीज गो अहेड।
आई फील दैट कि चाइना का इसमें फैलाने में काफी ज्यादा हाथ था. नो नो इट्स नॉट अबाउट योर गट फीलिंग. नो 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 भाई, मेरी पहली चीज ये थी कि इट शुड बी. सर मैं फैक्ट बोलने जा रही थी सर, सम फैक्ट. आई वाज गोइंग टू स्टेट सम फैक्ट. सो when it started to outbreak, then China didn't क्या कहते हैं, उन्होंने international flights पर ban नहीं लगाया, but they limited the domestic flights. Why? उन्होंने international, जब उन्हें पता था कि outbreak हो चुका है कोरोना वायरस का, तो उन्होंने domestic flights तो बंद कर दी, but they didn't stop international flights. They wanted कि ये आगे की countries में भी जाए. अगर वो चाहते कि उनकी country में ही stop हो जाए, तो वो भी immediately international flights बंद कर देते domestic के साथ. Any more points like Mukta? Go ahead. Sir, even the guidelines released by WHO, they were released very late. Okay. So they were trying to favor China somewhat. Okay. It was felt by nations. Okay. ये बात किसने बोली? Mukta, it was you. Sir, me. No, sir. Okay. Mukta, yes, go ahead. Okay, Akansha, please. So I'm not sure if we can completely blame China for the, as in terms of biological weapon, because that's a big accusation. But I do believe that it was very careless in terms of handling, or rather in terms of communicating it to the rest of the world, especially the parties such as WHO. And I feel that WHO actually was very liberal and did not take a strong stance against China. And that's what it's my opinion. Okay. But I won't say that maybe China started a biological war, because there has been no facts as such that has been proven. Yes. There are no evidences till now. Fine. Okay. Next, Shivani, go ahead. Shivani, you have raised your hand. Please go ahead with your answer. Okay. Nitesh Kumar, go ahead. सर जब मतलब कि जब ये फैला सर, तो उसका ओरिजिन बहुत जरूरी रहता है किसी भी बीमारी को सर पता लगाने के लिए. तो उसका ओरिजिन के बारे में किसी को कोई मतलब कि जांच नहीं करने दी गई. और प्लस में सर WHO ने भी वैसा कुछ मतलब कदम नहीं उठाया था कि आपने एक बात बोली. म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए, जस्ट कि माइक वो है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. ठीक है. ओके. जांच नहीं करने दी, इसका क्या मतलब होता है? जांच नहीं करने दी का मतलब क्या होता है? आप लोग जो है ये कह रहे हैं, देखिए हम लोगों को इसी मेच्योरिटी को आगे ले जाना है. आप लोग समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? हम लोगों को इसी मेच्योरिटी पे ले जाना है. जैसे कि हमें कोई भी बात करनी है, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, सारे के सारे यूपीएससी यूपीपीएस के एस्पिरेंट हैं. ठीक है. हम लोग अलग हैं. अलग क्यों है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग, हमारे अंदर इवोल्यूशन हो गया है, हमारी सिक्स फिंगर निकल आ गई है, हमारे सिंह निकल आ गए. नो, हम लोगों का जो मेंटल स्टेमिना होना चाहिए, हम लोगों की जो मेंटल कैलिबर होनी चाहिए, हम लोगों का जो मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, वो एक तरीके से काम करना चाहिए. इट शुड बी फैक्ट बेस्ड, इट शुड बी डेटा बेस्ड. ठीक है. तो हमें क्या लगता है, दैट डजंट मैटर्स. यूपीएससी में अगर आप लिख के आओगे हमें क्या लगता है, देन यू विल फॉल. ये चीज़ आप याद रखिएगा. तो हमें यहाँ पे गिरना नहीं है. आप लोग सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. देखिए मैं अपनी बार बार अपने लेक्चर्स के अंदर में एक चीज हमेशा बच्चों को रिमाइंड कराता रहता हूँ. हमें क्या लगता है कि कोविड क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है. बिकॉज वी आर नेदर वी आर साइंटिस्ट नॉर वी आर WHO. फाइन. हु वी आर कॉमन मैन एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट ऑफ दिस ह्यूज कंट्री. करेक्ट. यही हम सबके एस्पिरेशन है. और हम इस तरह को कैसे अचीव कर सकते हैं? कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, आपके पास पावर्स आपने एक्यूमुलेट कर ली है, और आप बोलते हैं कि आज दिन नहीं है, आज रात है. दिन को रात बोल रहे हैं, रात को दिन बोल रहे हैं. तो इट वुड बी अ रॉन्ग नोशन. ठीक है. क्योंकि हम लोग जिस पोजीशन पे जाके कल को जिस कुर्सी को हम लोग संभालने वाले हैं, वहाँ बहुत जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है. इसलिए UPSC आपकी प्रिपरेशन के पहले दिन से आपको जिम्मेदार होने को कहती है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक सुलीजेश, कैन यू हेयर मी? Sujilesh, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Please define something about India and Singapore relations. As of now, what we are facing is like the cases which whenever now in Singapore we can see that lot of areas, lot of countries they have opened up, but still they face that India is a high risk country because of the cases which are increasing. Like many other countries, even China is open. China, there is no restrictions with China, but India, they have made the restriction, which is affecting to huge affect our economic things. Okay, that's good enough. Okay, guys, मैं आप लोगों को mute कर रहा हूँ अब. ठीक है. And उसके बाद मैं एक screen open करूँगा. ठीक है. अब आपके मैंने powers ले ली हैं क्योंकि बच्चे काफी हैं class में. तो मैं अब आप लोगों को एक page दिखाने जाऊँगा.
एंड आई विल बी शोइंग यू कि एक हमारा जो वो है, एक हमारा जो कोविड है, सिर्फ एक कोविड से हमारे कितने तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है? ओके, और वी कैन हैव अ डिस्कशन आल्सो, ठीक है? तो एक मैं एक एक व्हाइट शीट शेयर कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को विजिबल है व्हाइट शीट? प्लीज रिप्लाई. ओके, तो यस ये हमारा है कोविड का एक क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताइए इस पे कितने तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी के अंदर, कितने क्वेश्चन दे के नास्क, किस 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 सेक्शंस में दे के नास्क. लाइक जीएस पेपर वन में हमारे पास आता है सोसाइटी, हमारे पास होता है ज्योग्राफी, हमारे पास होता है हिस्ट्री. सो क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसके अंदर होता है, बताइए क्या कोविड सिचुएशन को लेके हिस्ट्री के अंदर कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई एंगल से, किसी एंगल से पूछा जा सकता है? सर, एनी प्रीवियस इश्यूज लाइक दिस? लाइक लाइक एक इसको कंपेयर कर. यस, पैंडेमिक्स इन लाइक पैंडेमिक्स अकर्ड अर्लियर इन इन ऑन द अर्थ यस, तो वर्ल्ड अफेक्टेड द सोसाइटी. करेक्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पूछ सकते हैं, हम लोग स्पेनिश फ्लू से लेके जितने भी पेंडेमिक आज तक हुए हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं. और अगर कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो जाती है या प्रूव हो जाती है कि इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन, देन दे कैन आल्सो आस्क अबाउट द एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स वायरस इन 2003 इजराइल वॉर. क्लियर? यस. हाँ, आप लोग प्लीज एनोटेशंस ना करें, मुझे आपको एनोटेशन. हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक सिल्क रूट वाला भी आ सकता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से काफी मूवमेंट हुआ था, जिस वजह से ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट यस हुए, और ब्लैक प्लेग भी हुआ यस, था. ब्लैक प्लेग जिसे हम कहते हैं, ब्लैक डेथ जिसे कहते थे, वो चीज होती है. अच्छा, ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर, GS1 के अंदर? सोचो, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम लोगों ने जब जब क्रॉस करी तभी तो वायरस स्प्रेड हुआ है, बट इतनी डेप्थ में जाके मुझे लगता नहीं यूपीएससी इतना दिमाग लगाएगा. अच्छा, सोसाइटी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वन बाय वन प्लीज. सोसाइटी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सुलीजे. यस सर, ऑल अबाउट द सोसाइटी. यस, प्लीज. ओके ओके, रितिका, एनी क्वेश्चंस ऑन सोसाइटी? रितु, any questions on society? Can so how pandemic shaped reshaped our societies, yeah, and how they impacted our society, they also impact in positive way. Okay, next next please, कौन बोल रहा है? मोनिका जी आप बोल रही हैं, बताइए next कौन बात कर रहा था? So can I, Akanksha? Yes, go go ahead. Sir, I think so. How COVID-19 has resulted in greater divide within the society, yes, within rich yes, and poor. Yes. Apart from this thing, we can also have a question on labor migration. We can also have question on employment because society के अंदर सब कुछ हो रहा है ना भाई. Sir, it has can also add about positive impact of coronavirus. Positive, yes, society के अंदर नहीं. That can be a part of environment. Positive ऐसे क्या हुआ है? Other than environment और क्या positive? Sir, positive. All families come together. They are apart for many of years. Yes. That's a very 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 sharp side. कौन बोल रहा भाई? अभिमन्यु आप हो? या जी सर. गुड गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. ठीक है, नेक्स्ट हम पेपर टू में चलते हैं, GS2 में. लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR पे क्या सवाल, क्या सोशल जस्टिस पे क्या सवाल बन सकते हैं इस पे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से सर, हाउ विल रीशेप आवर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टू फाइट द पैंडेमिक और नेक्स्ट एपिडेमिक. क्या इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को, हमने 140 करोड़ लोगों को गवर्न किया इन दिस कोविड पेंडेमिक, कैसे इसको क्राइसिस के स्प्रेड को कंटेन किया गया, कैसे इसको हम लोगों ने टैकल किया, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से एक्ट हम लोगों ने अमेंड किए. प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी क्लास के अंदर. ठीक है, क्या हम लोगों, क्या हम इस पे ये बात कर सकते हैं कि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि जो हम लोगों ने एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बदलाव किए, हम लोगों ने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में चेंज किए, वो इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं? गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, लोकल पुलिस सिस्टम ने, लोकल बॉडीज ने मिलकर कैसे लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाया, ये चीज़ कर सकते हैं? लॉकडाउन को खुद से एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसके अंदर. देन आफ्टर हम सोशल जस्टिस में जाएंगे तो लेबर माइग्रेशन वाला या फिर पुअर को खाना खिलाने वाला क्वेश्चन इसके अंदर कोविड से रिलेट करके पूछा जा सकता है. ठीक है, अब GS3 में चलते हैं. इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. क्या इंटरनल सिक्योरिटी में कोई क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कोविड के ऊपर? हाँ जी, एनीबॉडी? सर, रिसेंटली डेटा वाज रिलीज बाय NCERB ऑफ 2019, सो कंपेयरिंग टू दैट हाउ मच राइज कैन वी सी इन द क्राइम्स दिस ईयर? Due to unemployment. Yeah, due
also the rise in domestic violence due to the lockdown. Yes, very important point, and that can be a part of social justice as well. Yes. That can be a part of social justice also. Domestic violences are on rise, like family courts are full these days and they are tackling such kind of things. Domestic violence act against kai sare cases chal rahe hain is time pe. ठीक है, तो ये भी चीज हुई है. अच्छा, इंटरनेट के एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कुछ पॉजिटिव है? एनवायरनमेंट तो हमारा काफी इससे बेहतर हुआ है क्योंकि लॉकडाउन ग्लोबली जब लगा तो पोल्यूशन लेवल्स आर डाउन, तो ये एक बेनिफिट है. अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बनेगा कोई? बायोटेक्नोलॉजी में तो बनेगा, वैक्सीन रिलेटेड बनेगा, मेडिसिन में बनेगा, इसके 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 प्रोमिनेंट. अच्छा, एक और चीज, क्या एथिक्स में क्वेश्चन बनेगा इस पे? केस स्टडीज में कुछ बन सकता है, सोचो रितिका, दीक्षा. यस सर. कैसे बन सकता है बताओ? सर, लाइक जैसे चाइना के साथ, चाइना ये बोला चाइना से स्प्रेड हुआ है वायरस, सर केस केस स्टडी में चाइना का नाम देकर, सर मैं चाइना का नाम देकर, सर लाइक कोई भी एक्स या वाई जेड देकर सर ये केस स्टडी दे सकता है कि बायोलॉजिकल अटैक था या नहीं. एथिकल एथिकल केस स्टडी बन सकता है सर. सर ऐसे बन सकता है, लाइक यू आर द गेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक, सो हाउ व्हाट स्टेप्स आर मेड यू विल टेक. वेरी गुड गाइस. अब मैं आप लोगों से एक और चीज बताने जा रहा हूँ. जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने एक एक चीज से कितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने निकाल दिया, मानते हो ना इस चीज को? तो जब जब आप लोग कोई ऐसा मेजर टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप लोग ट्रैवर्स कीजिए अपने सारे क्वेश्चंस को, कि इसलिए देखो आप लोगों ने कई सारे टॉपर्स की वीडियो देखी होगी, कई सारे पुराने टीचर्स की वीडियो देखी होगी. मैं भी अक्सर ये बात बोलता हूँ, आपको सिलेबस याद रहना चाहिए. अक्सर बोलता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या होता है बच्चों? इसके पीछे रीज़न ये होता है, मेरा बस एक रीज़न होता है कि जब भी कोई कोई टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो जो चीज़ हम लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम गवर्नेंस में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम अपना मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछेगा यूपीएससी. ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे यूपीएससी नहीं पूछने वाला है. वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी आपको, अभी मैं स्लाइड्स पे जा रहा हूँ और स्लाइड्स पे हम आपको सब चीज़ें बताएंगे अभी. ठीक है, सो गाइस, आई एम म्यूटिंग यू, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ. और आपके बाद जो भी क्वेश्चन आपको होंगे प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा. ठीक है, आफ्टर द क्लास एक बार मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, देन आफ्टर आई विल टेक अप वन बाय वन एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव टू द पीपीटी पार्ट. गाइस, पीपीटी विजिबल है आप सभी को? Yes, sir. So let's start with the PPT wala part. ठीक है, now. So this is UPSC Connect. आप सभी जानते हैं और हम लोग आज इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक नया मॉड्यूल हमारा शुरुआत हो रही है. बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. एक मिनट है इसके अंदर, एक मिनट है, जस्ट अब इसका समथिंग इज रॉन्ग विद दिस. आप लोगों के चैट आने शुरू हो गई है. कौन कौन सी है? सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली है. कोई बात नहीं आर्ची, यू विल गेट. जिसको भी नोट्स नहीं मिले उनको सारे नोट्स हम कल आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप सभी को डिलीवर कर दिए जाएंगे. डोंट यू वरी अबाउट इट. ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट और विजिट आवर वेबसाइट. थैंक यू.